नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है बहुजन समाज पार्टी से। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहन कुमारी मायावती, जो उत्तर प्रदेश की चार चार बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना था, लेकिन चुनाव आयोग ने केवल 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान किया, यानी कि मिल्कीपुर पर उपचुनाव का ऐलान नहीं किया। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जो प्रभारी घोषित किए गए थे, अब उनको प्रत्याशी में तब्दील कर दिया गया है, यानी कि बहुजन समाज पार्टी किसी भी विधानसभा सीट पर सबसे पहले प्रभारी घोषित करती है। तो बहुजन समाज पार्टी ने मीरापुर विधानसभा सीट से शाह नजर को अपना प्रत्याशी बना दिया है, यानी कि मीरापुर सीट पर सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी है, मुस्लिम उसके बाद दलित आबादी है। मिल्कीपुर सुरक्षित सीट है, राम गोपाल कोरी को बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रभारी से प्रत्याशी बना दिया है और इसी सीट पर चुनाव नहीं हो रहा है, जो आश्चर्यजनक विषय बना हुआ है। मझुआ की सीट पर दीपू तिवारी, मझुआ की सीट बहुजन समाज पार्टी का गढ़ कही जाती है। गढ़ आप अगर आंकड़ा निकाल के देख लें तो बसपा का बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। यहां पर बसपा के सामने सपा ना तो टिकती है ना तो भाजपा टिकती है यहां पर, लेकिन बसपा की स्थितियां पिछले कुछ चुनाव से गड़बड़ होती जा रही हैं, इसलिए बसपा की स्थिति खराब हो चुकी है। बसपा से दीपू तिवारी को टिकट दिया गया है और मझुआ के बाद कटहरी सीट पर भी बहुजन समाज पार्टी का बहुत पुराना रिकॉर्ड है। मतलब कि भाजपा और सपा कटहरी पर भी उतना ज़्यादा फिट नहीं बैठती, लेकिन अब अमित वर्मा को मैदान में उतारा गया है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर 90,000 दलित हैं। अगर अमित वर्मा अपने समाज का वोट लेकर चले जाते हैं, जो 45,000 बताया जाता है वर्मा का वोट, पटेल का वोट, तो मैं बता रहा हूँ कि इनकी स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी। हालांकि समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अपनी अपनी भूमिका नज़र ला रही है। फूलपुर की सीट दोस्तों शिवबरन पासी को यहाँ पर टिकट दिया गया है। यहाँ पर पासी बाहुल्य सीट है, इस सीट पर सबसे ज़्यादा यादव हैं, उसके बाद मुस्लिम हैं, उसके बाद पटेल हैं, उसके बाद पासी हैं, मौर्या हैं, पाल हैं, तो इन सीटों पर बसपा ने अपना ऐलान जारी कर दिया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, और अब कानपुर की सीसामऊ सीट पर इन चार नामों में से एक को टिकट मिलने वाला है कानपुर में, चाहे रवि गुप्ता को मिल जाए, चाहे बबलू चौधरी को मिल जाए, चाहे दीप सिंह को मिल जाए। अयोध्या की मिल्कीपुर पर मिल ही चुका है, मैनपुरी की करहल पर कोई तैयारी नहीं है। हो सकता है समाजवादी पार्टी को समर्थन दे दिया जाए, ये भी हो सकता है, हालांकि वो आने वाला समय बताएगा, या भाजपा को समर्थन दे दिया जाए, जो भी हो। प्रयागराज की फूलपुर सीट पर शिवरण पासी का नाम ऐलान हो चुका है। कुंदरकी की सीट पर दोस्तों अनीश चौधरी को 39%, बब्बू नंबरदार को 25%, वसीम को 13%, अन्य को 23%। वहीं पर अंबेडकर नगर की कटहरी पर जितेंद्र कुमार यानी अमित वर्मा इन्हीं का नाम है दे दिया गया है। मिर्जापुर में दीपू तिवारी को दे ही दिया गया है। मुजफ्फरनगर में शाह नजर को दे ही दिया गया है। गाजियाबाद की सीट पर रवि गौतम का नाम सबसे ऊपर था। रवि गौतम ने यह आरोप लगाया कि बहन जी पैसा लेती हैं, बहन जी ने हमारा टिकट काट दिया और बहुत खफा हैं। और वहीं पर अलीगढ़ में सूरज सिंह 35%, रतनदीप सिंह 26% और अरविंद आदित्य 24%। मतलब कि अलीगढ़ में अभी ऐलान नहीं हुआ है, गाजियाबाद में दोबारा ऐलान नहीं हुआ है, मुजफ्फरनगर में हो चुका है, मिर्जापुर में हो चुका है, कटहरी में हो चुका है, कानपुर सीसामऊ में नहीं हुआ है, मिल्कीपुर में हो चुका है, मैनपुरी में नहीं हुआ है, करहल में, प्रयागराज में हो चुका है, कुंदरकी में अभी नहीं हुआ है। तो 5 सीटों पर उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है, जिनमें से 5 में केवल 4 पर उपचुनाव होगा मिल्कीपुर को छोड़ करके। अभी यानी कि बहुजन समाज पार्टी कुल मिलाकर के 6 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान इन्हीं लोगों में से करने जा रही है। आपकी जो भी राय हो आप अपनी राय को कमेंट करके बताइए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।